Okay. <laughs> हे हाय फ्रेंड्स होप्स आप सब बहुत अच्छे हो स्वागत है आपका मेरे एक न्यू वीडियो में और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मेरी सीएमए स्टोरी सो ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो एक एवरेज स्टूडेंट है एंड सीएमए कोर्स को कर रहे हैं उन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है बहुत मोटिवेशनल वीडियो होने वाली है मैं अपने लाइफ के सारे चैलेंजेज एंड सक्सेस के बारे में आपको बताऊंगा मैंने क्या चैलेंजेस फेस किया मुझे क्या सक्सेस मिला एंड मेरी लाइफ और मेरी सी जर्नी कैसी रही तो मैं बात करता हूँ अपने इनिशियल स्टेज उेंड 2013 की और उससे पहले की भी थोड़ी सी मैं एक एवरेज स्टूडेंट था आप कह सकते हो या फिर मुझे बिलो एवरेज भी कह सकते हो बिकॉज मैं टेंथ तक मैं पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता था मेरी लाइफ का कोई टारगेट कोई गोल कुछ नहीं था बस मैं अपनी एक जिंदगी जी रहा था एंड मूवी देखना घूमना पढ़ाई नहीं करना ऐसा नहीं मैं मारपीट करता था ये सब नहीं करता था बस मूवी वूवी देखते रहता था घूमते घूमते रहता था ये करता था और कुछ नहीं करता था सो एक्चुअली मेरे फादर आर्मी में भी थे वो घर पे रहते नहीं थे और मैं माँ बाप का इकलौता था तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्यार मुझे ज्यादा मिला मेरी फैमिली से एंड इसकी वजह से मैं पढ़ाई नहीं करता था उतना ज्यादा तो आफ्टर डैट जब मैं इलेवेंथ में आया टेंथ के बाद तो मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे ना खुद के लिए कुछ करना है अपना खुद का कुछ नाम कुछ पहचान बनाना है कि लोग मुझे मेरे नाम से जाने और इस थॉट के साथ मैंने सीएमए कोर्स को ज्वाइन किया उससे पहले मैं बात करता हूँ ट्वेल्थ की सो so, ट्वेल्थ में जो मेरे मार्क्स आए थे वो सेवेंटी आए थे बिहार बोर्ड से और एक काफी अच्छा मार्क्स था 71 अगर बिहार बोर्ड की बात करें तो तो मुझे काफी एक अच्छा सा मोटिवेशन मिला जब मेरे सेवेंटी वन परसेंट मार्क्स आए आफ्टर डेट फिर मैंने कोर्स सर्च किया कि आफ्टर ट्वेल्थ में कॉमर्स में क्या क्या कोर्स है जो मैं कर सकता हूँ सो so, उस कोर्स में मेरे पास तीन आए सी ए और सी का ऑप्शन था तो सी का ऑप्शन मैंने पहले ही एलिमिनेट कर दिया बिकॉज सी में काफ़ी ज़्यादा थ्यूटिकल टॉपिक्स था और मुझे लग रहा था कि मैं थ्यूटिकल इतने स्ट्रांग नहीं हूँ मैं प्रैक्टिकल में काफ़ी अच्छे स्ट्रांग हूँ तो मुझे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के साथ ही जाना चाहिए तो फिर मेरे पास दो ऑप्शन थे या तो सी करने जाओ या तो सी करने जाओ तो जहाँ तक मेरा ये था कि मुझे पेरेंट्स और मेरे फैमिली या फिर मेरे रिलेटिव ने सजेशन दिया कि तुम पढ़ने में अच्छा नहीं हो तो तुम सी ए कोर्स के साथ मत जाओ सीए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कोर्स है और तुम उस कोर्स को नहीं कर पाओगे और आई थिंक उस समय मेरे मतलब मेरे पास भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं खुद को पे इतना विश्वास करके मैं सी ए कोर्स को ज्वाइन करता बट कहीं ना कहीं जो होता है वो अच्छे के लिए होता है और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा ये सोच के मैंने कहा कि चलो ठीक है यार सब बोल रहे हैं तो सीए कोर्स को नहीं ज्वाइन करते सीएमए कोर्स को ज्वाइन करते हैं मैं पटना गया पटना में सीएमए इंस्टीट्यूट का जो चैप्टर था मैंने चैप्टर में जाके ओरल एडमिशन लिया उन्होंने बताया कि जून या जुलाई से आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी 2013 की बात है क्लासेस स्टार्ट होगी चार महीने आपकी क्लासेस चलेगी फिर आपका दिसंबर में पेपर होगा तो मैं वहाँ गया मैंने क्लासेस ज्वाइन की अब मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट अब मुझे इंग्लिश में हो रही थी दिक्कत दिक्कत हो रही थी तो मैंने हर एक वर्ड के ऊपर उसका हिंदी मीनिंग लिखना शुरू किया मैं चीज़ों को समझ शुरू किया हाँ बट एक चीज मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे सीएमए बनना है तो इंग्लिश में ही बनना है हिंदी में नहीं बनना सीएमए कोर्स मैं करूंगा तो इंग्लिश में ही करूंगा हिंदी में नहीं करूंगा और मैंने अपने इंग्लिश इंप्रूवमेंट के लिए काम स्टार्ट कर दी थी तो ऐसे करते करते फिर मुझे धीरे धीरे इंग्लिश समझ में आने लगा ऐसा नहीं कि इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट है आपको समझ में नहीं आएगा तो मुझे इंग्लिश समझ में आने लगा और मैंने पेपर भी दिया पेपर जब मैंने दिया तो मेरा फर्स्ट अटैम्प में फाउंडेशन क्लियर हो गया था 200 मार्क्स के हमारे टाइम में पेपर होते थे पेपर ऑनलाइन मोड में होता था और उस 200 नंबर के पेपर में मेरे 106 नंबर आए थे सब कुछ अच्छा गया सिर्फ मेरा मैथ था थोड़ा सा वीक था तो मेरे पास ऑलरेडी मुझे एक फ्रेंड मिल गया था सी ए फाउंडेशन के क्लासेज में जो इलेवन ट्वेल्थ उसने मैथ से कर रखा था तो उसका मैथ बहुत अच्छा था हम दोनों ने साथ में रहने का डिसाइड किया और हम दोनों ने साथ में एक रूम ले लिया साथ में रहना खाना बनाना पढ़ाई करना हम दोनों का

थे जो सी ए कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और सी ए कोर्स कर रहे थे मतलब मोर देन वन फिफ्टी स्टूडेंट्स वहां पे सी ए कर रहे थे और सिर्फ हम पांच स्टूडेंट थे जो सी ए कर रहे थे तो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम मेरे साथ ये आया कि जो हमारा कॉमन टॉपिक्स था सी ए के साथ वो तो मेरे इजीली कवर हो गए बट जो टॉपिक्स कॉमन नहीं थे उसमें प्रॉब्लम्स आए हमारे फैकल्टी ने उसको कंप्लीट नहीं करवाया फीस भी मैंने पूरा पे कर रखा था अब मेरा आ चुका था दिसंबर में अटैम्प फर्स्ट अटैम्प में पहले टाइम मिल जाता था तो मेरा जो दिसंबर में अटैम्प था दिसंबर में जब अटैम्प था तो मुझे पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हाँ सिर्फ अकाउंट ऐसा पेपर था जिसमें मेरे चालीस नंबर आए थे बाकी तीनों सब्जेक्ट में, में मैं नील बटा सनाटा था एंड मेरे ओवरऑल जो नंबर आए थे एक नंबर आया था फर्स्ट अटैम्प जब मैंने सी ए इंटरमीडिएट ग्रुप वन का दिया था तो मैंने डिसाइड कर लिया यार यहाँ से कुछ नहीं होने वाला तो पेपर देते ही मैं निकल चुका था दिल्ली के लिए और फिर मैंने दिल्ली जाते ही वहां पे ऑलरेडी जो फ्रेंड मेरे साथ फाउंडेशन में था वो भी दिल्ली दिल्ली वो वो फाउंडेशन के बाद ही मूव ऑन कर चुका था तो वो दिल्ली में था तो उसने मुझे गाइड किया वहां पर क्लासेज के, क्लासे के रिगार्डिंग वो जहाँ पे वो क्लासेस ले रहा था मैंने भी वहीं जाके क्लासेज ज्वाइन कर ली तो क्लासेज काफी अच्छा चल रहा था स्मूथली क्लासेस चल रहा था जब मेरा सेकेंड अटेम आई थी जून टू की बात है तो जून 2014 में सेकंड अटेम्प्ट था पेपर भी काफी अच्छे गए थे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से और जब रिजल्ट आया तो काफी ज्यादा खराब नंबर आया था एक तैतीस नंबर आए थे वन हंड्रेड थर्टी थ्री मार्क्स आया था और इस बार मेरे अकाउंट के पेपर में सिर्फ नाइनटीन मार्क्स थे हाँ इस बार मैं टैक्स के पेपर में और कॉस्ट के पेपर में पास हो गया था फिफ्टी मार्क्स थे आई थिंक उसमें लेकिन टोटल एक सौ तैतीस नंबर थे जब मेरे पास मेरे पापा का कॉल आया था उन्होंने पूछा बेटा रिजल्ट क्या हुआ मैं रोने लगा था मुझे याद है आज भी वो दिन और मतलब मैं काफी ज्यादा उस दिन को मैं रोया था जब मेरा रिजल्ट आया था जून का रिजल्ट हमेशा अगस्त में आता है और आई थिंक अगस्त अगस्त था था या को रिजल्ट आया था, जब मैं काफी रोया और काफी अंडर कॉन्फिडेंट हो गया था कि यार मेरे से कोर्स नहीं हो पाएगा क्या मुझे अपने अपर, अपने आप के ऊपर फील होने लगा था बट होता है कभी कभी आपको लाइफ में ऐसे फेजेज आते हैं जब आपको लगता है यार कि आपसे चीजें नहीं हो पाएगी बट आपको होप नहीं हारना चाहिए सेम ऐसा है मैंने किया मैं कुछ दिन डिमोटिवेटेड रहा मैंने अप्रोक्स छह से सात दिन मैंने पढ़ाई नहीं की बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था मेरे 1.5 साल ऑलरेडी हो चुके थे सीएमए कोर्स में मैंने बीकॉम भी नहीं स्टार्ट किया था अगर मैं पीछे जाता तो मैं बहुत पीछे जा चुका होता तो मैं पीछे नहीं गया मैंने सीएमए कोर्स को ही आगे कंटिन्यू किया आगे 10 दिन बाद एंड इस पर मैंने यही किया था कि मैंने फोन उन सब कुछ बंद कर दिया था अपने घर परिवार से बहुत कम बात करता था मेरे फैमिली यानी मेरे मतलब घर से मेरे मम्मी या पापा का कॉल मेरे फ्रेंड के फोन पे आता था मेरा मैंने अपना फोन बंद रख कर दिया था और मैं घर पे यही रीजन बताया था कि मेरा फोन खराब हो गया और मैं दिसंबर में पेपर नहीं दे रहा बिकॉज बार बार आपका रिजल्ट खराब आता है तो आपके ऊपर क्वेश्चन होते हैं एंड मेरे पेरेंट्स से कभी क्वेश्चन नहीं हुआ बट मेरे रिलेटिव मेरे ऊपर क्वेश्चन करते थे कि दिल्ली में पढ़ाई नहीं करता होगा वहाँ घूमता होगा इसने गर्लफ्रेंड बना ली होगी ये सब दुनिया जान के क्वेश्चन वो लोग करते थे मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं यहाँ तक इनफैक्ट मैं एक बार अपने एक रिलेटिव से भी मिलने गया था तो उन्होंने भी मुझे अः कुछ सुना दिया कहा कि तुम दो साल से दिल्ली में हो और करके आ रहे हो तुम पढ़ाई कर रहे हो पास नहीं कर रहे हो कुछ समझ नहीं आ रहा तुम्हारा मैं चुपचाप सुन के आ गया वहां से मैंने कुछ आंसर नहीं किया उनको बिकॉज मैं उस समय कुछ बोलने लायक नहीं था मैंने बस यही सोचा कि एक दिन मेरा रिजल्ट ही सबका आंसर करेगा मुझे आंसर करने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी और यही थॉट के साथ फिर मैंने फोन वोन सब कुछ बंद किया क्योंकि सब कुछ डिस्ट्रैक्ट करता है आपको चीजों से लेकर तो मैंने फिर हंड्रेड परसेंट फोकस किया स्टडी पे और सबको पता था कि मैं दिसंबर में पेपर नहीं दे रहा बट मैंने एग्जाम फॉर्म फिल किया एंड मैंने दिसंबर में पेपर दिया पेपर देने के बाद मेरा पेपर ओवरऑल अच्छा गया था क्योंकि इस बार मैंने फोकस किया था हंड्रेड मार्क्स के ऊपर नहीं कि मुझे हंड्रेड मार्क्स का क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है इस बार जो मैंने फोकस किया था कि अगर मैं 80 मार्क्स क्वेश्चन कर रहा हूँ तो क्वेश्चंस के आंसर सही होने चाहिए और इस थॉट के साथ मैंने क्वेश्चंस अटैम्प किए सारे पेपर अच्छे गए थे सिर्फ और सिर्फ बात करूँ तो जो लास्ट पेपर था मेरा पेपर नंबर एट उसमें कॉस्टिंग का पार्ट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ गया था वो आप कह सकते हो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था उसमें तो एफ लेकिन काफी ईजी था तो मैंने एफ पूरे अच्छे से फोर्टी मार्क्स किए एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मेरे कुछ सही बन गए थे तो मेरा ओवरऑल सही था और जब मैं रिजल्ट आया तो 208 नंबर आए थे और मैं बहुत ज्यादा खुश था उस दिन और फिर मैंने घर पे कॉल करके 21 फेब का आई थिंक इक्कीस 21 टू 2016 को मेरा रिजल्ट आया था एंड uh, मैं बहुत खुश था मैंने घर पे बताया कि मेरा रिजल्ट आया बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आया मैं पास कर गया हूँ तो फिर बहुत अच्छा सा मुझे फील हुआ मेरा कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा बढ़ गया था एंड देन मुझे लगा कि यार अब मैं सी एम ए कर लूंगा वो वाली फीलिंग आनी शुरू हो गई थी फिर मैंने तीन महीने का टाइम था मैंने कहा कि चलो ग्रुप टू का प्रिपरेशन करते हैं और पेपर अटैम्प करते हैं ग्रुप टू का मैंने उस समय हमें ये नहीं पता था कि अटैम्प काउंट होता है नहीं काउंट होता है अगर हमने ज़्यादा अटैम्प दे दिया तो क्या होगा हमारा बस एक ही टारगेट था कि हमें सी एम ए बना है चाहे दो अटैम्प लगे चार अटैम्प लगे दस अटैम्प्ट लगे डजेंट मैटर फिर मैंने क्या किया मैंने पेपर अटैम्प्ट किया और मेरा पेपर बहुत अच्छा गया 177 नंबर आया था मैं बहुत खुश था क्या मैंने तीन महीने मेहनत करके 177 नंबर लाया सारे सब्जेक्ट में पास था आ, बस मैं एग्रीगेट शॉर्ट कर गया था तो मैं फिर भी बहुत खुश था एंड बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुका था ग्रुप टू को भी लेकर कि इस अटैम्प में क्लियर कर दूंगा दिसंबर में फिर मैंने पेपर दिया और टू मार्क्स आए थे मेरे तीन सब्जेक्ट में एग्जेंशन था सिर्फ एक सब्जेक्ट ओ एम उसमें भी आते हैं तो चारों सब्जेक्ट में, में, आया था। पूरे लक्ष्मी नगर में बहुत कम स्टूडेंट थे उस समय उन्हीं से क्लासेस लेता था सी एस सी एम एस सी एस तीनों प्रियंका सक्सेना मैम तो मैम बहुत खुश हुई क्योंकि आई डी टी में भी मेरे एग्जामेशन थे एंड मैम उस समय से मुझे काफी मानने लगे थे फाइनल भी मैम से क्लास ले रहा था तो काफी सप्ताह मिलने मुझे टीचर्स का एंड टीचर्स मेरा नाम जानने लगा अगर 200 बच्चे की क्लास में कोई टीचर आपका नाम जानता है तो अपने आप में बहुत मायने रखता है तो टीचर फैकल्टी मेरे नाम जानते थे जानने लग गए थे एंड उन उन्हें मेरे से और एक्सपेक्टेशन हो गया था मैम ने मुझे ये सजेस्ट किया कि बेटा तुम बोथ के लिए जाओ फाइनल में मैंने भी मान लिया कि यार अब तो बोथ रूप करना है अब सिंगल सिंगल नहीं करना है बोथ करना है मैंने बोथ रूप की क्लासेस स्टार्ट की सब कुछ किया सब कुछ मैनेज करना स्टार्ट किया बट सब कुछ अच्छा गया मैंने लास्ट लास्ट मोमेंट तक मैं बोथ रूप पे था मैंने बोथ रूप के पेपर भी दिए और मेरे सारे पेपर ओवल अच्छे गए अगर सिर्फ मैं बात करूँ एक पेपर की एस की एस के पेपर में मेरे से कुछ मिस्टेक्स हुई मैंने एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का एक क्वेश्चन सॉल्व किया जो क्वेश्चन मेरे से गलत हो गया गलत होने के बावजूद भी मैंने उस क्वेश्चन को दोबारा अटैम्प किया और मेरे 45 फाइव मिनट जा चुके थे और मेरा धरकन हार्टवीट तेज हो चुका था कि यार आप मेरे पास दो घंटे पंद्रह मिनट है और पूरा अस्सी नब्बे नंबर नम्ब का क्वेश्चन मेरे पास बचा हुआ है मैं कैसे इसको सॉल्व करूंगा मैंने जल्दी जल्दी में बहुत मिस्टेक्स की और जिसके वजह से मेरे टोटल तो 422 नंबर आए थे 240 नंबर मेरे थे ग्रुप फोर में और 182 मार्क्स थे मेरे ग्रुप थर्ड में तो ओवरऑल तो मैं पास कर चुका था लेकिन 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 एसएफएम ने मुझे रुला दिया और एसएफएम के सब्जेक्ट में 33 मार्क्स आए थे मेरे अगर उस दिन अगर वो 40 मार्क्स होता तो मैं दिसंबर 2017 के एग्जाम में सीएमए बोथ ग्रुप क्वालीफाई होता बट वही होता है जो होता है अच्छे के लिए होता है uh, मैं मैं रोया नहीं था उस समय क्योंकि मैं खुश था कि यार चलो एक ग्रुप तो निकला और ग्रुप थर्ड में भी मुझे टेंशन नहीं था मेरे कॉस्टिंग में फिफ्टी नाइन आया था बाकी सारे सब्जेक्ट में भी अच्छे मार्क्स थे एस में क्यों नंबर कम आया मुझे पता था मैंने क्या मिस्टेक की है तो मुझे कुछ भी फीलिंग नहीं था मुझे इतना पता था कि नेक्स्ट अटैम्प मेरा लास्ट अटैम्प होने वाला है और नेक्स्ट अटैम्प में मेरे नाम में वो एडवर्ड होने वाला है और नेक्स्ट टाइम मैंने उन सारी गलती को रेक्टिफाई करते हुए अगले तीन चार महीने मैंने अच्छे से प्रिपरेशन किया और मैंने पेपर दिया पेपर सब कुछ स्मूथली गया जैसा मैं चाहता था उसी तरीके से क्वेश्चन आए मैंने आंसर किए और दो नंबर मेरे तेईस अगस्त ट्वेंटी थर्ड अगस्त टू को मेरा रिजल्ट आया था और सी फाइनल क्वालिफाइड मैं बन चुका था एंड uh, मैं बहुत खुश था मेरे कॉस्टिंग के पेपर में 69 मार्क्स आए थे जो लास्ट में 59 था तो मुझे काफी अच्छा लग रहा था कि चलो मेरा इंटर में भी एग्जाम है फाइनल में भी आई है आईडीटी में भी एग्जाम था इंटर फाइनल uh, तो काफी अच्छा फीलिंग हो रहा था मुझे एंड उसके बाद थोड़ा सा मैं फिर कैंपस के साइड मूव ऑन किया बट कैंपस में पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मैं डिमोटिवेटेड हो गया कि यार सब लोग एक्सपीरियंस है उनके पास काफी अच्छा एक्सपीरियंस है मैंने सिर्फ सिक्स मंथ की ट्रेनिंग की है तो मेरा क्या होगा ये सब सोच के मैंने ओ से अपनी ट्रेनिंग की थी और ये सब सोच के मेरा जो था वो अच्छा नहीं हुआ कैंपस और मैंने कैंपस की कोई प्रिपरेशन नहीं की मैं कैंपस हुआ ही नहीं फिर ऑफ कैंपस में जॉब सर्च कर रहा था तीन चार महीने हो चुके थे कहीं अच्छा जॉब नहीं मिल रहा था फिर अल्टीमेट एक सीए फॉर्म में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली काम करने की जी प्रोफाइल पर मैंने कहा ठीक है चलो एक स्टार्ट करते हैं उन्होंने बहुत कम पैसा मुझे ऑफर किया मैंने ट्वेंटी बोला था कि सर मुझे एटलीस्ट ट्वेंटी दे दो बट उन्होंने कहा कि नहीं हम आपको ट्वेंटी पे मैंने कहा यार चलो ठीक है ये स्टार्ट करते हैं बट यही होता है कुछ चीजें होती है लाइफ में जो आप नहीं सोचते बट हो जाता है मैं उस समय ये सोच रहा था कि यार मैं यारीएम क्वालिफाइड किया हूँ और बीस हजार बाईस हजार तो एक ग्रेजुएट को मिल जाता है सेमी क्वालिफाइड को मिल जाता है बट मैंने ये होप था कि ये मेरे अंदर क्वालिटी है और डेफिनेटली मुझे अच्छा होगा मेरे साथ ये मैं हमेशा सोचता था मैं कभी निगेटिव नहीं सोचता था रीजन क्या था मैं सीएमए के बारे में कभी निगेटिव नहीं सोचता था अगर मुझे बीस हजार की जॉब मिली है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ ना कि इंस्टीट्यूट रिस्पॉन्सिबल है मैंने यही सोचा क्योंकि मैंने जब ओ में काम किया वहां पे टॉप मोस्ट पोजिशन पे सीएमएच काम कर रहे थे जिनके मोर देन 50 लैक्स सैलरी पैकेज था तो मुझे यही लगता था क्वालिफिकेशन है वो क्वालिटी है मुझे अपने अंदर इंप्रूव करने की जरूरत है फिर मेरा दिमाग डाइवर्ट हो रहा था कि यार मैं कॉस्टिंग में जाओ अकाउंट में जाओ जीएसटी में जाओ मतलब इतने सारे जब आपके पास ऑप्शंस होते हैं तो माइंड जो आपका डिस्ट्रैक्ट करता है बार बार आपको कि आप क्या चूज करो तो मैंने जीएसटी में काम तो स्टार्ट कर लिया था बट मेरा कहने के इंटरेस्ट कॉस्टिंग के साइड ज्यादा जा रहा था कि ऐसा नहीं कि हम सी एम इसलिए कॉस्टिंग में बट मेरा ऑलरेडी पहले से भी इंटरेस्ट था कॉस्टिंग में ज्यादा इसलिए मैं कॉस्टिंग हमेशा बाई फोकस होकर पड़ता था तो मेरे पास एक कॉल आया आगरा की एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से और मैं वहां पे गया इंटरव्यू देने मैंने सर को बोला था कि सर मैं मंडे टू सैटरडे ऑफिस है बिकॉज मुझे ऑडिट असाइनमेंट मिल रखा था तो मैं ऑडिट पे हूँ इसलिए मैं छुट्टी नहीं ले सकता अब मैं संडे को सिर्फ इंटरव्यू दे सकता हूँ तो उस समय ऑनलाइन इंटरव्यू नहीं होता था सर ने बोला कि आपको आगरा आना पड़ेगा उन्होंने मुझे संडे को इनवाइट किया मेरी जो इंटरव्यू हुई थी एक रेस्टोरेंट में हुई थी बहुत कम ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनकी इंटरव्यू रेस्टोरेंट में हुई होगी वहां पर सर के साथ मैं ब्रेकफास्ट में सैंडविच खा रहा था और प्लस में अपना इंटरव्यू दे रहा था तो ये एक अच्छी फीलिंग थी आ, मतलब जो सर इंटरव्यू ले रहे थे वो खुद भी चार्टर अकाउंटेंट थे बहुत अच्छे सर थे नितिन वर्मा उनका नाम था सी ए नितिन वर्मा और बहुत अच्छे थे उन्होंने बा... मतलब मुझे काफी मानते भी थे जब मैंने स्टूडेंटमेंट ज्वाइन कर लिया तो उन्होंने इंटरव्यू लिया क्वेश्चन नॉर्मल पूछा मैंने बोला उन्होंने बोला कि आप यहाँ काम करने के लिए तैयार हो मैं बोला यस सर मैं आना चाहता हूँ मुझे कॉस्टिंग में ही फ्यूचर अपनी बनानी है बोला कि ठीक है मैं आपको ऑफर लेटर तो दिलवा दूंगा आप कितना आपको सैलरी चाहिए मैंने सोचा कि यार मैं, अगर मैं ज़्यादा सैलरी डिमांड किया तो मेरे हाथ से जॉब चली जाएगी मुझे कॉस्टिंग के फील्ड में कोई एंटर करना है मैंने लगे सर थर्टी अगर मिल जाएगा तो मैं ज्वाइन कर लूंगा उन्होंने बोला ठीक है Uh, उन्होंने फिर गया कंपनी में बात की उन्होंने बोला ठीक है हम आपको थर्टी थाउजेंड का ऑफर लेटर दे रहे हैं आप ज्वाइन कर लो मैंने बोला ठीक है उन्होंने ऑफर लेटर दिया मैं वहाँ से सी ए फॉर्म से मैं मूव आउट होकर मैंने आप बताया नहीं और कहता क्या था कि अगर मैं बताता तो जो मेरी बीस हज़ार की सैलरी थी वो भी मुझे उस महीने की नहीं मिलती तो मैंने विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन दस को मेरे अकाउंट में सैलरी क्रेडिट हुआ मैं दस को मैं वहाँ पे शिफ्ट कर चुका था एंड फिर मैंने वहाँ पे आके फर्दर अपनी जॉब स्टार्ट की वहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा कॉस्टिंग के फील्ड में एंड काफ़ी कुछ मैंने अपने नॉलेज में भी इन्हेंस किया बिकॉज शायद जो हम ड्यूरिंग द स्टडी पढ़ते हैं जब हम प्रैक्टिकली करते हैं बहुत डिफरेंस हो जाता है तो सारे कॉन्सेप्ट फिर से मैंने रिवाइज किया वहाँ पे बहुत अच्छा से मैंने काम किया डेढ़ एक डेढ़ साल मैंने वहाँ पे काम करके बहुत कुछ सीखा उसके बाद मुझे लगा कि यार प्राइवेट सेक्टर में से है कि गवर्नमेंट सेक्टर में मूव करना फिर मैंने थोड़े टाइम गवर्नमेंट की प्रिपरेशन की मैंने जॉब छोड़ दिया मैंने रिजाइन कर दिया था और पांच छह महीने गवर्नमेंट की प्रिपरेशन की फिर हुआ क्या कि गवर्नमेंट में भी वैकेंसीज कम होने लगे बिकॉज 2020 में कोविड आ चुका था एंड कोविड के वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी जॉब्स की भी तो जॉब्स की भी प्रॉब्लम थी गवर्नमेंट वैकेंसीज कम आ रहे थे अब मैं फिर से थोड़ा सा डिमोटिवेट हो रहा था कि अब मेरा क्या होगा फिर धीरे धीरे ऐसा चल रहा था फिर मैंने जैन से स्टार्ट किया कि मैं जॉब सर्च करता हूँ एक दो जगह मुझे जॉब के लिए बुलाया गया बट वही था कि मैं ऑलरेडी जॉब पे नहीं था तो मुझे कम पैकेज ऑफर कर रहे थे बार बार यार जो मेरी लास्ट सी थी इनफैक्ट वही ऑफर कर रहे थे और एक टाइम आया भी था ऐसा कि मैंने कहा क्या ठीक है यार जो ऑफर कर रहे हैं ना ज्वाइन कर लो मदर्सन शो में मैंने इंटरव्यू दिया था वो भी मुझे सेम पैकेज ऑफर कर रहे थे थर्टी फाइव थाउजेंड दे रहे थे आ, फिर एक और कंपनी में दिया था वहां पे भी इच्छापूर्ति डॉट कॉम में इच्छापूर्ति में मैंने इंटरव्यू दिया था उन्होंने कहा कि हम आपको लास्ट ही देंगे अब मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था कि मैं उनसे निगोसिएशन करूँ फिर एक दिन जनपैक से कॉल आया फिर जनपैक में भी मेरा सिलेक्शन हो गया जेनपेक में जब सिलेक्शन हो गया वहां पे भी सेम था कि नेगोशिएशन नहीं था बट ये था कि जेनपेक में सैटरडे संडे ऑफ मिलता और वर्क फ्रॉम होम मिल रहा था तो मैंने कहा कि चलो सेम पैकेज ही दे रहे हैं कोई बात नहीं जेनपेक में सेम पैकेज मतलब उन्होंने मुझे लाख uh, का पैकेज मुझे जेनपेक में दिया था जेनपेक का पैकेज थोड़ा अच्छा था बिकॉज यहाँ पे पी एफ ये सब भी डिडक्शन था प्लस ये सब इन उस सैलरी से हायर साइड में था अप्रोक्स थर्टी परसेंट का हाइक मुझे मिल गया था जेनपेक में मैंने कहा कि ठीक है मैंने जेनपेक ज्वाइन किया वर्क फ्रॉम होम मिला सारे पैसे तो मेरे सेव हुए वर्क फ्रॉम होम में एंड काम भी बहुत कुछ सीखने को मिला साथ में मैंने एसएपी कोर्स ज्वाइन कर लिया अब था क्या कि मुझे एक हायर जंप मारना था बिकॉज मेरे फ्रेंड्स सेम टाइम के क्वालिफाइड की फिफ्टी थाउजेंड प्लस की अर्निंग कर रहे थे तो मुझे भी था कि यार मुझे भी एक अच्छे लेवल पे जाना है मुझे भी अपना एक रिकोगशन चाहिए देन uh, एक दिन मेरे पास एसेंचर से कॉल आया एंड उससे पहले भी दो तीन कंपनी से कॉल आया था बट वही हो रहा था जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी वो सैलरी पैकेज ऑफर नहीं कर रही थी मुझे ज्यादा और सात आठ लाख के पैकेज पे मुझे अब जाना नहीं था बिकॉज अब मैं जेन में ऑलरेडी कर रहा था तो मैंने एसेंचर का इंटरव्यू दिया एस ए पी सी ओ प्रोफाइल के लिए एंड कंसल्टेंट प्रोफाइल के लिए मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ जितने भी क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे कंसल्टेंट लेवल के ऑलमोस्ट मैंने सबके आंसर कर दिए थे दो तीन क्वेश्चन छोड़ दिया जाए और आई थिंक मेरे आप समझ सकते हो मेरा गुड पीरियड स्टार्ट हो चुका था और मेरे पास जेनपेक्ट से सॉरी एसेंचर से कांग्रेसलेशन का मेल आ चुका था और जब सैलरी नेगोशिएशन की बात आई तो मैंने एचआर को बोला मुझे एटलीस्ट टेन लाख का पैकेज चाहिए जो फिक्स हो बाकी वेरिएबल पार्ट अलग से एंड सेम एसेंचर के एचआर भी बहुत अच्छी थी उसने एक्सेप्ट कर लिया और मुझे अप्रोक्स ट्वेल्व लैख का पैकेज ए, एसेंचर से मिल गया था तो मैं बहुत खुश था कि कहाँ सिक्स लैख का पैकेज था और कहाँ मेरा ट्वेल्व लैख का पैकेज है मतलब लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई थी उस मोमेंट में बात है मार्च की 21 मार्च को मेरे पास एसेंचर से ऑफर लेटर मिला था वो दिन मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट आप कह सकते हो इन टर्म्स ऑफ मनी कि मुझे मेरी रिकॉग्निशन मिली एंड उसके बाद मेरे ना एक कॉन्फिडेंस बहुत चेंज हो गया आप देख सकते हो मेरे अंदर बहुत अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ गया है तो उसके बाद मैं बहुत खुश था एंड अल्टीमेट अभी मैं सेंचुरी में फोर टू फाइव मंथ से काम कर रहा हूँ मुझे बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है तो आज वो सारे लोग जो मेरे ऊपर क्वेश्चन कर रहे थे आज उनके पास भी आंसर है एंड आज वो सारे लोग मेरे ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं करते चाहे मैं कुछ गलत करूँ सही करूँ सब कुछ मतलब जैसा मैं चाहता हूँ मैं वैसा भी कर सकता हूँ एंड सबके पास आंसर है आज कोई रिलेटिव मेरे पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है मेरे पास आज अर्निंग अच्छी है मेरे पेरेंट्स बहुत खुश है हाँ मेरे इस सक्सेस में मेरे पेरेंट्स का बहुत कंट्रीब्यूशन है बिकॉज मेरे फादर ने रिटायर्ड हुए थे आर्मी से उनको सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सेवन थाउजेंड का पेंशन मिल रहा था और जब मैं दिल्ली रह रहा था तो अप्रोक्स सात हजार तो कम से कम मुझे दिल्ली में रहने खाने के लिए चाहिए होता था क्लासेस uh, का अलग से तो उन्होंने मेरे लिए सिक्योरिटी गार्ड की भी जॉब की यहाँ मतलब मेरे लोकल होम टाउन में सिर्फ और सिर्फ से मुझे पढ़ाने के लिए तो पेरेंट्स का भी बहुत कंट्रीब्यूशन था मेरे अटेम्प्ट भी लगे बट उनका ट्रस्ट था कि मेरा बेटा कुछ करेगा जरूर और उनका भी यही कहना था यार हमारा एक लौता है अगर आज अगर मैं पैसा बचा भी लेता हूँ तो उसी के लिए अगर मैं कुछ कर दूँ अगर वो कुछ करना चाहता है तो डेफिनेटली मुझे सपोर्ट करना चाहिए और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया तो आज मैं भी बहुत अच्छे लेवल पे हूँ और आज मेरे फादर की पेंशन भी बहुत अच्छी हो गई है मतलब जब सब कुछ होता है तो अच्छा होता है और जब बुरा होता है तो सब कुछ बुरा होता है एक टाइम था जब न उनकी अर्निंग अच्छी थी और न मेरे एग्जाम्स निकल रहे थे आज मेरे पास भी अच्छी अर्निंग है उनके पास भी अच्छी पेंशन है अभी उनको इतना अच्छा पेंशन मिल रहा है कि पूरी फैमिली उस पेंशन से चलती है उसके बाद वहाँ पैसा बच जाता है मेरा पैसा तो अलग ही बचता है तो बहुत अच्छा है आ, मैं बहुत खुश हूँ आज के टाइम में तो मैं कह सकता हूँ कुछ जगह था जहां पे मैं गलत था मैंने अपने ऊपर काम किया और मैंने सक्सेस को छीना है खुद की बदौलत मैं आप सबको भी ये सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा फोकस करो खुद के ऊपर लर्निंग के ऊपर एक दिन आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा और उस दिन आपको खुद के ऊपर बहुत प्राउड फील होगा थैंक्स बाय टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू